मैंने मेरी तरफ से विधानसभा में संविधान पर जो चर्चा हुई थी उसमें भाग लिया। उसमें तीसरी संतान पैदा होने पर चुनाव लड़ने के अयोग्य ठहराए जाने के मुद्दे को उठाया था और खास करके ये पंचायत राज संस्थाओं में तीसरी संतान पैदा होने पर चुनाव लड़ने पर रोक है, जबकि सांसद और विधायकों के लिए इस प्रकार की कोई रोक नहीं है। तो ये संविधान के विरुद्ध है। इस प्रकार का जो भी कानून बनाया है, हम खुद कानून बनाने वाले हैं और हम कानून बनाने वाले अपने आप को उस कानून से बाहर रखते हैं और दूसरी जनता के लिए इस प्रकार का कानून बनाते हैं। मैं कम से कम अपने व्यक्तिगत राय से इस कानून के बिल्कुल सख्त खिलाफ हूँ और हमेशा इसका विरोध करता रहा हूँ, आगे भी विरोध करता रहूँगा। अब निर्णय तो सरकार को करना है, मुख्यमंत्री जी को करना है, लेकिन मुख्यमंत्री जी को इस बारे में मैंने विधानसभा के बाद में भी लिखित में भी पत्र उनको लिख दिया है। उन्होंने मुझे कहा कि आप लिख करके भेज दिया है। और ये भी नहीं, ये इसकी वजह से कोई जनसंख्या की वृद्धि में कमी नहीं आई है। जनसंख्या बढ़नी है तो बढ़नी है और चुनाव लड़ने वाले भी नहीं रुक रहे हैं। वो भी अपनी तीसरी संतान को या तो अपने भाई या किसी अपने रिश्तेदार की बता देते हैं या जुड़वा बताते हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। तो फिर इसका कोई असर नहीं, जनसंख्या की वृद्धि पे कोई रोक नहीं, तो फिर इस प्रकार के कानून का क्या महत्व है इस प्रकार। और ये भी नहीं, ये हमारा समाज है, समाज में हर परिवार की ये इच्छा होती है कि मेरे कम से कम एक लड़का हो। तो जब कम से कम एक लड़का हो तो अगर पहले फर्स्ट इश्यू उसकी लड़की हो जाती है तो दूसरी जब इश्यू उसका है तो दूसरा इश्यू ठहरने पर वो उसकी अनैतिक जांच करवाता है और अनैतिक जांच करवाने से ये पता लग जाता है कि लड़की है तो उसकी वो भ्रूण हत्या कर देता है। और भ्रूण हत्या करने के पीछे कारण ये है कि अगर मैं इसकी भ्रूण हत्या नहीं करूँगा तो तीसरा तो मैं पैदा कर नहीं सकता, और तीसरा मैंने पैदा किया तो मैं चुनाव नहीं लड़ पाऊँगा। और चुनाव लड़ने की हर कोई की इच्छा है और ये उसका अधिकार है, उसके अधिकार से वंचित करना ये कतई ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि ये सब जो भ्रूण हत्या बढ़ रही है, इसमें निश्चित रूप से भ्रूण हत्याएं बढ़ रही है, जनसंख्या की वृद्धि रुक नहीं रही है और लोगों को जो चुनाव लड़ने का अवसर है उससे वंचित किया जा रहा है, जबकि हम लोगों को MP और MLA लिए हम वंचित नहीं हो रहे हैं चुनाव लड़ने के अवसर से, और आम जनता इस चुनाव लड़ने के अवसर से वंचित हो रही है। इसलिए आम जनता के लिए ये इस प्रकार का कानून बनाना, हम लोगों के लिए हम कानून बनाने वाले हैं और अपने आप को बाहर रखते हैं इस बिल्कुल ही। सर, पंचायती राज का बिगुल बज चुका है और जिले में पिछले, तो ये किस प्रकार की चुनौती रहेगी आपके लिए? नहीं, हमारे लिए कौन सी चुनौती, हम तो हमारी पार्टी चुनाव हमेशा लड़ती है, इस बार भी लड़ेगी और हमेशा जीतती है, इस बार भी जीतेगी, जनता हमारे पक्ष में, इसलिए इसमें कोई RLP से कोई खास असर नहीं करने वाला। हमारे क्या लेना देना, हमारे तो हमारी पार्टी की बात है, हमारी पार्टी हमेशा जीती है और जीतेगी, उससे असर पड़ेगा तो उनका पड़ेगा, हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर असर पड़ेगा।